शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील क्षेत्र अंतर्गत पीपरघाल में नायब तहसीलदार सहित उनकी टीम के साथ हुई बदसलूकी और बंधक बनाकर लूट करने के मामले को लेकर शिवपुरी जिला पटवारी संघ और जिले के तहसीलदारों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से तहसीलदारों और पटवारियों ने खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पोहरी तहसीलदार ने बताया कि बीते रोज नायब तहसीलदार को सूचना मिली थी कि कुछ लोग शासकीय भूमि पर मुरम का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इस सूचना पर नायब तहसीलदार पटवारी अपनी टीम के साथ पीपरघाल पहुंचे, जहां टीम द्वारा एक जेसीबी मशीन और अन्य वाहनों की जब्ती बनाई जा रही थी। तभी गांव के कुछ लोग आए और तहसील टीम के साथ बदसलूकी करने लगे, साथ ही बंधक बनाकर जब्ती के कागज भी फाड़ दिए और मोबाइल छीनकर टीम को बंधक बना लिया गया। वहीं पुलिस को सूचना देने पर पुलिस भी घंटों बाद मौके पर पहुंची। कल जो हमारे नायब तहसीलदार और उनके राजस्व विभाग की टीम थी, वो एक अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने गई थी। तो वहाँ पर जो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बदसलूकी की गई थी, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। पिपरसमा गांव, तहसील पोहरी, पिपरघाट गांव, हाँ, उन्होंने टीम के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। इसी के संबंध में ज्ञापन भी दिया और कल FIR भी कराई गई है। हाँ, पुलिस मौके पर आई थी, लेकिन पुलिस बाद में पहुंची थी। पहले जो हमारी टीम थी वो पहुंची थी।